दुनिया के अरब पतियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है। टेस्ला सीईओ एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। मस्क की संपत्ति में बीते 24 घंटे में आए उछाल के साथ कुल नेटवर्थ बढ़कर 187 अरब डॉलर हो गई। अभी तक नंबर एक की कुर्सी पर बैठे फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नोल्ट खिसक कर 185 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पिछले साल अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर खिसकने वाले एलन मस्क की संपत्ति में साल 2023 में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह रही कि उनकी ऑटो कंपनी टेस्ला के शेयरों में बढ़ोतरी, साथ ही इस साल टेस्ला के स्टॉक्स में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके चलते एलन मस्क ने साल 2023 में ही अपनी संपत्ति में 36% यानी 50 अरब डॉलर जोड़े। गौरतलब है कि दिसंबर के अंत तक मस्क की संपत्ति 137 अरब डॉलर तक आ गई थी। इस दौरान वो अपनी संपत्ति में 200 अरब डॉलर गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। लेकिन अब दोबारा मस्क ने नंबर वन पोजीशन पर कमबैक कर लिया है। अब जानते हैं कि आखिर कितनी है एलन मस्क और बर्नार्ड अर्नोल्ट की कुल संपत्ति। दरअसल ताजा आंकड़ों के मुताबिक एलन मस्क की कुल संपत्ति लगभग 187.1 अरब डॉलर है, वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ट की संपत्ति 185.3 अरब डॉलर आंकी गई है। ये तो सब जानते हैं कि जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है तब से उनकी संपत्ति में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन टेस्ला के शेयर्स में बड़े बदलाव से एक बार फिर एलन मस्क ने अपना कमबैक किया है।